हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दिस इज इरफान पिंजर, यू वाचिंग टेक एवी। तो गाइस बात करेंगे रियलमी 10 प्रो 5G के बारे में। तो गाइस ये जो सीरीज है रियलमी की, वो काफी बढ़िया सीरीज होने वाली है। इसके अंदर कर्व डिस्प्ले होने वाला है, 108 MP का कैमरा, तो इसी के बारे में बात करेंगे। यार उससे पहले चैनल पर नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद आएगी ना तो लाइक कर देना। तो गाइस रियलमी उन ब्रांडों में से जो कि कम प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन देता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है बॉस। क्योंकि ओप्पो वीवो मेरे को खास इतने पसंद नहीं है, क्योंकि ये कम प्राइस के अंदर वही स्पेसिफिकेशन देते हैं हमें, वही टेक्नोलॉजी देते हैं जो हमें पहले से मिल रही थी या पहले हमने जिनको देख लिया है। तो गाइस रियलमी जो है वो काफ़ी अच्छे फ़ोन लॉन्च करते आ रहा है। रेडमी भी उनमें से एक है जो कि कम प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छे फीचर देता है, बट रियलमी इनमें सबसे आगे, क्योंकि रियलमी जो है वो कम प्राइस के अंदर काफ़ी बढ़िया फीचर प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। तभी जो रियलमी 5G Pro आने वाला है, इसके अंदर आपको कर्व डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि अभी तक के ओप्पो वीवो के अंदर नहीं आया है। और कभी आ भी जाता है तो इसकी प्राइस आपको 40,000 से ऊपर देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन रियलमी वाला जो ला रहा है, इसकी प्राइस आपको 30,000 से 35,000 के करीब देखने के लिए मिलने वाली है। शॉमी वाले ने भी एक फ़ोन लॉन्च किया था जिसके अंदर वो कर्व डिस्प्ले दे रहा था, उसकी प्राइस भी 40,000 तक की जा रही थी। बट रियलमी वाला उससे भी कम प्राइस के अंदर अभी आपको अवेलेबल करा देगा कर्व डिस्प्ले, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, और वो भी इस 5G सीरीज के अंदर। तो गाइस इस फोन के अंदर जो प्रोसेसर होने वाला है वो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1080 का प्रोसेसर होने वाला है 5G, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और इसकी परफॉर्मेंस जो है ना बॉस, वो काफ़ी बढ़िया निकल के आने वाली है, और फोटोग्राफी भी इसकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर बात करें डिस्प्ले के बारे में तो 120Hz का कर्व डिस्प्ले इसमें आपको देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इससे पहले आपको इस प्राइस के ऊपर कर्व डिस्प्ले नहीं देखा होगा आपने, बट इस प्राइस पे ये कर्व डिस्प्ले कैसा परफॉर्म करता है वो देखने वाली बात होगी बॉस। अगर बात करें कैमरास के बारे में तो बैक साइड के अंदर 108 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है गाइस। नहीं तो कर्व डिस्प्ले ऐड कर दिया गया है तो हो सकता था कि पीछे का कैमरा कम कर दिया जाए, बट ऐसा नहीं है, पीछे का कैमरा भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। फ्रंट कैमरे के बारे में भी कुछ सामने नहीं आया है, बट फ्रंट कैमरा भी आपको 20 MP तक के देखने के लिए मिल सकता है। प्राइस की बात की जाए तो 35,000 से 30,000 की प्राइस के अंदर फ़ोन लॉन्च होने वाला है, और ये फ़ोन 5G है गाइस, तो फ़ोन जो है वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। आपको क्या लगता है रियलमी ये जो फ़ोन लॉन्च कर रहा है कर्व डिस्प्ले के साथ, 108 MP कैमरा, और इतनी ज़्यादा जो हाइप क्रिएट करके रखी है रियलमी ने, आपको क्या लगता है इस फ़ोन के बारे में कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।